तो पिएगा वो मरेगा। भैया पहले पिलाने वाले को आप पकड़िए, आपकी नाकामी की वजह से पिलाने वाला मौजूद है। इसको मौत नहीं कहा जा सकता। अगर आप किसी को जहर देकर मारते हैं तो ये हत्याएं हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से ही बिहार में हत्याएं हो रही हैं, इनके बनाए गए कानून की वजह से हत्याएं हो रही हैं। टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो। शराब से 50 लोगों से ज्यादा लगातार जाहिरी शराब से बिहार में लोगों की मौत हो गई है। सारण के बाद सिवान में अभी 15 लोगों की मौत हो गई है। पहले तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इसको मौत नहीं कहा जा सकता। अगर आप किसी को जहर देकर मारते हैं तो ये हत्याएं हैं, और बिहार में लगातार इस तरीके की हत्याएं हो रही हैं। इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? भाई जिम्मेदारी आप तय कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी सबसे महत्वाकांक्षी कानूनों में से एक ये कानून रहा है, शराबबंदी का उनका कानून। और इसी कानून की आड़ में बिहार में एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं अनेकों जगह। शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां हम लोग नहीं गए होंगे। कल हम लोग छपरा भी जा रहे हैं, पर कितनी और हत्याओं का इंतजार करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कार्रवाई करने के लिए? क्या बिहारी ऐसे ही मरते रहेंगे? खुद जिस मुख्यमंत्री का वक्तव्य हो कि जो पिएगा वो मरेगा, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से ही बिहार में हत्याएं हो रही हैं, इनके बनाए गए कानून की वजह से हत्याएं हो रही हैं, इनकी कानून की विफलता की वजह से हत्याएं हो रही हैं, तो जवाबदेही भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है। और इसके ऊपर आप अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कार्रवाई नहीं करेंगे, मैंने पहले भी इस बात को कहा था, जिस दिन ये घटना घटी उस दिन भी मैंने ट्वीट करके कहा था, मेरे खुद के परिवार में मेरी नानी का निधन हुआ था, पर उस दिन भी मैंने इस बात को मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी के पतन का कारण बनेगा ये। और इसी तरीके से बिहार में अगर हत्याओं का तांडव होता हुआ मुख्यमंत्री देखते रहेंगे और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे, अपने राजमहल में बैठे रहेंगे, इन परिवारों से मिलना उचित नहीं समझेंगे, तो अब वो दिन दूर नहीं जब बिहार की जनता इनको सत्ता से उखाड़कर बाहर फेंकेगी। आज जो सड़क पे आक्रोश दिखता है ना, वो आक्रोश इसलिए नहीं है कि भैया कोई चिराग पासवान का बहुत साथ दे रहा है या हम लोग की बात से, हम लोग अरवल गए थे, वो जन सैलाब आप लोगों ने देखा था। आज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा इसके खिलाफ जिस तरीके का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, उसमें जो समर्थन मिल रहा है वो आक्रोश है, और यह आक्रोश ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उनकी सत्ता से उखाड़ के बाहर। भाई हम बोल रहे हैं पियोगे तो मरोगे ही, आप संरक्षण दे रहे हैं। भाई आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री बोलते हैं पियोगे तो मरोगे ही, और जो पिला रहा है वो क्या होगा, उसको संरक्षण देंगे आप? एक गिरोह बताइए भाई मुझे, आप सब पत्रकार साथी हैं, एक गिरोह बता दीजिए जिसको मुख्यमंत्री जी ने आज तक पकड़ा हो। एक तस्कर को पकड़ा गया आज तक? जो सीमावर्ती इलाकों से जो आयात होता है शराब का, किसी तस्कर को इन्होंने आज तक पकड़ा? एक गिरोह जो जहरीली शराब को बनाता हो, उसके निर्माण के कार्य में, उसके धंधे में लिपटा हो, उसको इन्होंने पकड़ने का काम किया? कौन नहीं जानता भैया कि कहां कहां पे जहरीली शराब बन रही है, आम ग्रामीण जानते हैं। और उसके बाद आप परिवार को मरने के लिए छोड़ देते हैं, परिवार को ना आप उचित मुआवजा देते हैं, ना उनकी, भाई खाने कमाने वाला व्यक्ति क्या, और आप बोलते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा और जो पिला रहा है वो क्या? भाई विपक्ष को भगाइए, इसीलिए भगाइए ना कि हम लोग उचित मांगे रख रहे हैं, हम लोग सच्चाई आपके सामने ला रहे हैं, और सच हमेशा कड़वा होता है।
और मुख्यमंत्री जी से सच बर्दाश्त नहीं होता। हाँ भाई, विधानसभा में विधानसभा में नतीजा होता है, नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं बोला। नीतीश कुमार आज भी अपनी बातों से अडिग है, सदन में आज भी उन्होंने कहा है कि हम प्रचारित कर रहे हैं इस बात को। भाई मत दे इतना साथ, जिन जिन्होंने मुख्यमंत्री जी का साथ दिया है वो सब अपनी बर्बादी देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की गलत नीतियों की वजह से बिहार बर्बाद हुआ। उपचुनाव के परिणामों ने बता दिया भैया कि जनता किसके साथ है। कुड़नी महागठबंधन का गढ़ ना, महागठबंधन का गढ़, और मुख्यमंत्री जी की वजह से ये लोग अपना गढ़ हार रहे हैं। हकीकत है, बिहार की जनता विश्वास पूरी तरीके से खो चुकी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर। जो भी मुख्यमंत्री जी के साथ जाएगा, इनकी गलत नीतियों का साथ देगा, बिहार की जनता कभी उनका साथ नहीं देगी, ये स्पष्ट है। आपकी पार्टी क्या मांग करती है? भाई कानून आप लाइए, कानून का तो हमने विपक्ष में रह के समर्थन किया भैया। उस वक्त भी मैं एनडीए में था, मुख्यमंत्री जी महागठबंधन का हिस्सा थे 2016 में, कानून का तब भी हमने समर्थन किया था। बट अगर आपका कानून धरातल पर नहीं उतर पा रहा, अगर उसका एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन अगर सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो आप इसकी जांच करेंगे कि नहीं करेंगे, समीक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? एक आम बिहारी को पता होता है कि कहाँ पे जहरीली शराब या अवैध शराब का निर्माण हो रहा है, इनके प्रशासन के लोगों को नहीं पता होता। तो कब कार्रवाई करेंगे? जब मौतें हद पार कर जाएंगी। इन्हीं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोलते ना कि ये तो छुटपुट घटनाएं हैं। 8 लोग जब मर गए थे हाजीपुर में सड़क घटना पे, तो 8 मौतें तो इनको छुटपुट लगती हैं, आज तो 30 हो गई। कितनी मौतों का इंतजार करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता में अपना कानून को धरातल पर उतारने के लिए, जिस नींद में सोए में उस नींद से जागने के लिए कितनी और मौतों का इंतजार करेंगे? हम जाएंगे, हम छपरा भी जाएंगे, पर भैया जब तक आप कार्रवाई नहीं कीजिएगा, जब तक इस कानून को सही ढंग से धरातल पर उतारने का प्रयास नहीं किया जाएगा, ये मौतें होती रहेंगी, ये हत्याएं होती रहेंगी। पहली बात तो हम लोग मांग करते हैं कि जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सबको 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, और जितने भी आश्रित हैं उस परिवार में उन आश्रितों में से एक एक को सरकारी नौकरी सरकार की तरफ से दी जाए। भैया कानून आप नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के इस बयान का मैं की सख्त निंदा करता हूं, जब ये बोलते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। भैया पहले पिलाने वाले को आप पकड़िए, आपकी नाकामी की वजह से पिलाने वाला मौजूद है। ये आपकी विफलता है कि पिलाने वाले आज आपके संरक्षण में मौज कर रहे हैं, और आप बोलते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। आप पिलाने वाले को पकड़िए, पीने वाले अपने शांत हो जाएंगे। बिहार का नेतृत्व तेजस्वी करेंगे, नीतीश कुमार ने कह दिया। बिहार का आगे नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। भाई उनकी पार्टी में कोई है ही नहीं, तो किसको देंगे? दूसरे दल के नेता कोई ना बढ़ाएंगे? मुख्यमंत्री जी की पार्टी में कोई नहीं है, और देखिएगा वो दिन दूर नहीं जब मुख्यमंत्री जी की पार्टी का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचेगा। और मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये उपचुनाव के परिणाम दर्शा रहे हैं भैया। गोपालगंज के परिणाम बता रहे हैं, कुड़नी का परिणाम बता रहे हैं, फॉर दैट मैटर इवन मोकामा का। पिछली बार लड़े थे मोकामा, 40,000 पाए थे, इस बार एक वोट इनका नहीं गया। यही कुड़नी में देख लीजिए, खुद इनकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, क्या हुआ इनके वोट का? पूरी तरीके से जनाधार मुख्यमंत्री जी की पार्टी खो चुकी है। तो भैया जब आपका जनाधार ही नहीं है, आपकी पार्टी में कोई नेता रहा ही नहीं है, मैं तो बल्कि मुझे ताज्जुब होता है कि इनकी पार्टी के नेता दूसरे दल के नेता को जब इनके नेता अपना नेता मानते हैं तो इनके दल के नेता खामोश रहते हैं। तो भैया वो भी तो बता ही रहे कि उन लोगों में कोई ताकत नहीं है, तो इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई ताकत, कोई वो बचा? फांसी की सजा मांग रही है आपकी पार्टी के द्वारा, दोषियों को कार्रवाई करते हुए। बिल्कुल फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए फांसी की सजा? जाकर देखिए जिनका घर उजड़ा है। भाई मैंने अपनों को खोया, मैं जानता हूँ अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। भाई जिन्होंने अपने पिता को खोया, जिसने अपने भाई अपने बेटे को खोया, क्यों नहीं उन दोषियों को फांसी मिलनी चाहिए? आप एक कानून का उल्लंघन कर रहे हैं भाई, कानून के उल्लंघन में आप निर्दोषों को तो भैया आप जेल में डालते हैं। बिहार में जाकर देख लीजिए, लाखों गरीब परिवार के, पिछड़े वर्ग से आने वाले, दलित वर्ग से आने वाले लोग इस कानून के उल्लंघन के मामले में सालों साल से जेल में, लाखों ऐसे लोग हैं। पासी समाज को आप देख लीजिए,
ताड़ी बेचने के आरोप में आप उन लोगों को सालों साल आप जेल के अंदर रखते हैं। छपरा जा रहे हैं। पर वहीं जब कोई जहरीली शराब बेचता है या जहरीली शराब बनाता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, पर बाकी निर्दोषों को, इसने शराब पी इसको जेल में डालो, इसने शराब पी उसको जेल में डालो, इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। वो मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखता, इस कानून का दुरुपयोग कर कर जो शराब बना रहे हैं वो नहीं दिखते, पर जो पिएगा वो मरेगा।